दर्शकों को कई प्रकार की जो परेशानी आ रही है वो मुझे फीडबैक से पता चला है। तो किस प्रकार की समस्या आ रही वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसी का आज हम यहाँ निराकरण करेंगे। जो शिक्षक या अधिकारी हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनकी डिटेल हमें कैसी भरनी है, एक तो ये समस्या है। एक वर्ष में दो या दो से अधिक जो प्रतिवेदक या समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी हों तो उनकी डिटेल हम कैसे भरें। 90 दिन से यदि कोई प्रतिवेदक अधिकारी रहे हैं, कोई भी अधिकारी चाहे प्रतिवेदक हो चाहे आपके समीक्षक हो या स्वीकारकर्ता हो, तो उनकी डिटेल भरनी है कि नहीं, तो इसका उत्तर आएगा कि नहीं भरनी है, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इसकी डिटेल नहीं लेगा अगर उसके 90 दिन से कम होंगे। इसके बाद अगला है चौथा, कि अगर दो समीक्षक हों एक स्वीकारकर्ता अधिकारी हो तो स्वीकारकर्ता अधिकारी की दो बार एंट्री होगी। इसके बाद एक और है लास्ट, प्रतिवेदक अपने अधीनस्थ शिक्षक कर्मचारियों की ACR कैसे देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार सभी शिक्षकों की ACR अगर बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं या प्रिंसिपल हैं उसकी CR को कैसे देखेंगे, क्या उसमें लिखेंगे और कैसे उसको फॉरवर्ड करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भी आपकी समस्या वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे अपने विद्यालय की और उसको खोलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे खोल ली, और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिस भी विद्यालय की आप यूनिट आईडी खोलेंगे तो ये इसका ध्यान रखें कि वही शिक्षक इसको सबकी जो ACR की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन है ये वाली, जिसमें आपके प्रतिवेदक अधिकारी समीक्षक अधिकारी ये एक ही व्यक्ति भरे, ताकि इसमें किसी भी शिक्षक की कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें डिफॉल्ट जो ग्रीन कलर का, ये पहले से ही डिफॉल्ट भरकर आ रहा है, जबकि ये आना नहीं चाहिए था, लेकिन यह पहले से फिल्ड होके आ रहा है। अगर आप देखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पहला ग्रीन यहाँ पे हो रखा है, इसको जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है हमारे एक शिक्षक की, लेकिन यहाँ पे जैसे जो डिटेल आ रही है वो गलत आ रही है, क्योंकि हमारे विद्यालय के दो प्रधानाचार्य रहे हैं, एक हमारे कार्यभाग प्रधानाचार्य के पास चार्ज था, उसके बाद हमारे प्रधानाचार्य नए ट्रांसफ़र होके आए, तो हमें यहाँ पे दो डिटेल भरनी है। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा कि एक विद्यालय में अगर कोई ट्रांसफ़र होकर आता है, दो अधिकारी आपके आते हैं प्रतिवेदक, तो उसे कैसे भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा समीक्षा अधिकारी आ रहा है हरिद्वार जिले में, तो ये भी आप देख रहे हैं कि हमारा पहले से डिफ़ॉल्ट भरकर आ रहा है, कि जो भी ये भी हमारा जो अधिकारी जी का यहाँ पे नाम आ रहा है वो भी हमारा सही नहीं आ रहा है। इसी प्रकार स्वीकारकर्ता जो अधिकारी है वो भी हमारा यहाँ पर यह हमारा सही आ रहा है एकदम, महावीर सिंह बिस्ट जो स्वीकारकर्ता अधिकारी है पौड़ी, क्योंकि हमारा जो हरिद्वार है पौड़ी मंडल में, ये एकदम सही आ रहा है। लेकिन अगर किसी और टीचर का जो ट्रांसफ़र होकर इधर आया है तो उसका ये बदल जाएगा। अगर उसको 90 दिन से ज़्यादा उसने पूर्व विद्यालय में कार्य किया है तो वहाँ के समीक्षा अधिकारी अलग होंगे, स्वीकृतकर्ता अधिकारी ये तो यही रहेंगे, लेकिन उनके जो समीक्षक अधिकारी होंगे वो बदल जाएंगे, वो उसी जिले के आएंगे जिस जिले में उसने 90 दिनों से अधिक काम किया है या वहाँ रहे हैं। इसके बाद एक मैं यहाँ पे उदाहरण आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉई में जाते हैं हम दोबारा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा है कि दो का रेड आ रहा है, एक मेरा नॉट फिल्टेड। अभी हमने इसको रिकॉर्ड नहीं भरा है, इसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड पहले से भर कर आया हुआ है जो कि गलत है, उसको भी हम यहाँ पे बाद में एक एक करके सही करेंगे। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। तो यहाँ पर अभी जैसे किसी का नाम नहीं आ रहा प्रतिवेदक तारीख, और आप देख रहे हैं यहाँ पे अधिकारी का नाम कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे शिक्षक का जो संस्था हमारे विद्यालय की वो आ रहा है और पद नाम आ रहा है, और ये डेट सही आ रही है 1/4/2021 से 31/3/2022 तक। और जब हम ये भरेंगे उसके बाद हमारा ये ऑप्शन खुलेगा, फिर ये ऑप्शन खुलेगा। तो हम सबसे पहले ऐड न्यू पे जाएंगे, जैसे हम इसको ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं
तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी डिटेल भरेंगे जो हमारे पहले के अधिकारी रहे हैं, जो जिन्होंने कार्यभार हमारे यहाँ ग्रहण किया, जो हमारे फुल फ्लैश प्रधानाचार्य नहीं थे। तो यहाँ पे मैं इसको डेट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप ये ओपन हो जाएगा। तो एक हम यहाँ पे लेंगे 1 अप्रैल से, तो ये मार्च का महीना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल। तो यहाँ पे एक को हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, पहले ईयर को सेलेक्ट करना होगा हमें। ईयर हम 21 लेंगे, 2021, और अप्रैल हो जाएगा और पहली तारीख हो जाएगी। तो आपने देखा कि इसमें यहाँ पे जो दिखा रहा है वो यहाँ पे सही हो जाएगा अपने आप, यहाँ पे मंथ बीच में आ रहा है, डेट बीच में आ रही है और मंथ पहले आ रहा है। तो इसको अब 1 अप्रैल 2021 से जो हमारे कार्यभार जो प्रभारी प्रधानाचार्य थे उन्होंने काम किया, ये आएगा मार्च की जगह आ जाएगा हमारा 22 मार्च, ये आएगा हमारा 11 मार्च आ गया यहाँ पर, 11 मार्च तक उन्होंने काम किया। अब वो किस पद पे थे, वो प्रभारी थे तो टीचिंग में आएगा, और उनका पद क्या रहा होगा, उनका पद था लेक्चरर, जनपद यहाँ पे आएगा हरिद्वार ये, और खंड आ जाएगा यहाँ पे बादराबाद। और आप देख रहे हैं संस्था का प्रकार, यहाँ पे आया हुआ संस्था का प्रकार है आपका यहाँ पर सेकेंडरी, और हमारी जो संस्था है, जो स्कूल हमारा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा GIC भेल रानीपुर, और अधिकारी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए हमारे जितने भी जो शिक्षक का हमने लिए लेक्चरर, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा तो सुनील कुमार रहे हैं। तो ये तो अब हम यहाँ पे डेटा इसका सुरक्षित कर लेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है, और इनकी तारीख भी यहाँ पर आ गई कि 1/4/2021 से 11/3/2022। तो ये एक अधिकारी का हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो गया है। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके दो दो अधिकारी रहे हैं, तो दो दो CR उनकी भरी जानी है। लेकिन अगर किसी अधिकारी का दिन 90 दिन से कम है, उसके साथ उसकी CR इसमें भरी जाएगी, उसके रिकॉर्ड इसमें भरा जाएगा कि नहीं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, ऐड न्यू, यहाँ पे हम देख लेंगे 11 था, तो आप उससे आगे का भरेंगे, सेम नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे 2022 में मार्च महीने, ये महीना हमारा चेंज होगा जनवरी में, जनवरी 11 तारीख को यहाँ पे अधिकारी आए थे हमारे, और उन्होंने कब तक काम किया, उन्होंने काम किया 31 तक, डिफॉल्ट है ये। अब यहाँ पे वो हमारे प्रिंसिपल थे तो नॉन टीचिंग में आएंगे पद, नॉन टीचिंग नहीं, प्रिंसिपल हमारे टीचिंग में ही आएंगे, पद उनका आएगा प्रिंसिपल, जनपद हमारा आ गया हरिद्वार, खंड आ गया बादराबाद, ऑफिस हमारा सेकेंडरी स्कूल, संस्था हमारी आ गई GIC भेल, और यहाँ प्रिंसिपल का नाम आ गया, ये देखिए। तो उनको हमें यहाँ टीचिंग में सेलेक्ट करना होगा, फिर प्रिंसिपल, तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल का नाम आ गया, अब ये आ गया। अब हम इसको डेटा सुरक्षित करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने डेटा सुरक्षित करा, तो आप देख रहे हैं कि रिस्पोंडेड ऑफिसर और डेट डिफरेंस मिनिमम 90 डेज। तो यहाँ पर जो समस्या आई है, जो आपके यहाँ कोई भी अधिकारी आए हैं नए, तो वो 90 डेज अगर उनके कंप्लीट नहीं होते हैं, तो पूर्व के विद्यालय का उनका रिकॉर्ड जाएगा। तो यहाँ पर हम उनका रिकॉर्ड ये सेव नहीं हो रहा है, तो हमें जो हमारे पूर्व के कार्यभार प्रधानाचार्य थे उन्हीं का पूरा हमें यहाँ पर डेट डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम दो अपने जो हमारे
प्रतिवेदक अधिकारी है, दो को हम यहाँ पे नहीं दर्शा सकते। यहाँ पे दो तभी हम दर्शाएंगे जब दूसरे प्रतिवेदक का जो डेट है वो 90 दिन से अधिक होगा। तो ये समस्या थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो यहाँ पर हमें दोबारा एडिट करना पड़ेगा और ये जो डेट है ये चेंज करनी पड़ेगी, पूरा एक ही अधिकारी के नाम हमारा ये आएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे इसको रद्द कर देते हैं, यहाँ पे डेटा को यहाँ से रद्द भी हो जाएगा, डिलीट यस और डिलीट सक्सेसफुली। अब हम इसे दोबारा से यहाँ पे भर लेंगे। तो वही जो मैंने बताया, तो इसका मतलब हमें एक ही प्रतिवेदक यहाँ पे रखना है और वो आ जाएगा आपका एक अप्रैल 2021 से, और कब तक आ जाएगा हमारा, मार्च 31 तक, मार्च 31 तक हमारा ये आ जाएगा। अब हम इसमें जो हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य थे उनको हम कैसे भरेंगे, टीचिंग, फिर पद, लेक्चरर, जनपद हरिद्वार, खंड बादराबाद, ऑफिस हमारा सेकेंडरी, संस्था GIC भेल, और यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा सुनीत कुमार, और यहाँ हम सेव कर लेंगे डेटा। तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा एक ही अधिकारी पूरा हमें दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही आपके सामने प्रतिवेदक आख्या समीक्षा अधिकारी की है, तो यहाँ पर यहाँ से हम ऐड करके उनका नाम भर सकते हैं। तो कोई भी हमारे जो इस समय वर्तमान समय में हरिद्वार जिले में कार्य कर रहे हैं तो हम उनका भर सकते हैं यहाँ पर। अब हरिद्वार जिले में इस समय जो भी आए हैं उनके 90 दिन से कम है जो हमारे इस वर्तमान में CEO हैं। तो इससे पूर्व जो हमारे CEO थे आनंद भारद्वाज जी, उनका हमें यहाँ शायद रिकॉर्ड भरना पड़ेगा। इस संबंध में अभी हमें आगे से और जानकारी लेनी है कि उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा या किसी अन्य का आएगा, क्योंकि हरिद्वार जिले में 2 से 3 अधिकारी आए हैं लेकिन वो लोगों के सभी के 90 दिन से कम है। तो ऐसे में हम यहाँ पे पहले उनका सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें पूरे वर्ष किसी अधिकारी का दिखाना है तो कैसे हम ढूंढेंगे अधिकारी का, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हमने 21 वर्ष चुना, अप्रैल चुन लिया, 1 अप्रैल से 21 से हम 31 मार्च यहाँ पे आपका आ ही रहा है, 31 मार्च तक अगर हमें कोई अधिकारी दर्शाना है, हमारे जो समीक्षा अधिकारी हैं, दो भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर जो समस्या मैंने बताई 90 दिन से कम है, तो हम उन अधिकारी को लेंगे जिनके 90 दिन से अधिक है। तो पद का प्रकार जैसे नॉन टीचिंग हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम हमारे सपोज में उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे हमारे आनंद भारद्वाज जी हमारे यहाँ CEO रहे, तो उसको हम कैसे यहाँ पे ढूंढेंगे यहाँ पे। तो पद यहाँ पे हम उनका देख लेते हैं, इस समय वो कहाँ पे कार्यरत हैं, इस समय वो पौड़ी में है और किस पद पे कार्यरत हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर CEO हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO हैं, कहाँ पे, पौड़ी में है। कौन सा जनपद, यहाँ पे हम लिखेंगे पौड़ी, और खंड, खंड में भी हमारा क्या आएगा, पौड़ी ही आएगा। संस्था का प्रकार, कौन सी संस्था में इस समय वो कार्यरत हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस, यहाँ पे स्कूल नहीं आएगा कुछ भी, ऑफिस में है वो, तो ऑफिस हम यहाँ पे करेंगे। संस्था, संस्था कहाँ पे है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहा चीफ ऑफिस, चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO पौड़ी। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, अब अधिकारी का हम यहाँ पे नाम देख लेंगे, तो देखो ये आनंद भारद्वाज जी यहाँ पे नाम आ गया, ये आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे डेटा सुरक्षित कर लेंगे, ये सेव हो गया डेटा। तो आपने देखा कि हमने आसानी से अपना चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे थे हमने उनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर कोई ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे विद्यालय से यहाँ आया है तो पहले वो यहाँ पर अपने समीक्षक अधिकारी उनका नाम लिखेगा जहाँ पे उन्होंने 6 महीने या
9 महीने तक काम किया हो या 9 महीने मतलब 90 दिन से अधिक तक अगर काम किया है तो उस विद्यालय में आएगा, अगर 90 दिन से कम है तो इस विद्यालय में उसका नाम नहीं आएगा। अगर उसने वहाँ पे 7 या 8 महीने भी काम किया है तो वो यहाँ पर अपने अधिकारी को ढूंढेगा और यहाँ पे उनको सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद अगर वो हरिद्वार जिले में आया है तो यहाँ जो उसने काम किया है, जो उनके समीक्षक अधिकारी हैं, उनको यहाँ पे उसके बाद लिखेगा। तो इस प्रकार वो दोनों अपने अधिकारियों को यहाँ लिख सकता है। आप इसमें 3 अधिकारी भी ढूंढ सकते हैं, किसी के यहाँ 3 अधिकारी भी अगर चेंज हुए हैं तो 4-4 महीने के अनुसार, तो वो यहाँ पर अपने अधिकारी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि एक और हमारे अधिकारी हैं जो हमारा समीक्षा करेंगे लास्ट में, तो उनका नाम भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम जो हमारे स्वीकृत अधिकारी हैं उनका विवरण यहाँ पे भरेंगे। तो जो हमारे स्वीकृत अधिकारी हैं जो गढ़वाल मंडल के अलग होंगे और कुमाऊं मंडल के अलग होंगे, तो यहाँ पर जैसे जो हमारा हरिद्वार जिला है गढ़वाल मंडल में है, तो वो अधिकारी यहाँ पर आएंगे। तो ऐड न्यू में जैसे हम जाएंगे तो सबसे पहले हम डेट यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे मार्च 22 दिखा रहा है, तो हम इसको सबसे पहले इसका ईयर चेंज कर लेते हैं और ईयर में आप अप्रैल महीना लेंगे और 1 तारीख लेंगे। तो 1 अप्रैल 2021 से कब तक है आपका यहाँ पर ये अधिकारी, कब तक रहे आपके? तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रहा है मार्च, तो ये देख रहेंगे आप 31/3/2022 तक ये आपके समीक्षा अधिकारी रहे हैं। अब इनका जो प्रकार है ये नॉन टीचिंग ही होगा, ऑफिसर ग्रेड में आते हैं और यहाँ पहले से डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो एडिशनल डायरेक्टर हमारे सेकेंडरी माध्यमिक के यहाँ पर आ जाएगा, जनपद पौड़ी है, खंड हमारा पौड़ी है। तो ये दोनों हम डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है, जब हम इसको सिलेक्ट करा हमने ये सिलेक्ट कर लिया पौड़ी पौड़ी। इसके बाद संस्था का प्रकार क्या होगा, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, हम इसको ऑफिस ले लेंगे, ऑफिस है। और संस्था कौन सी है, यहाँ पे कई सारी ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑफिस मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा AD सेक्रेटरी गढ़वाल मंडल, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अधिकारी का जो नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए महावीर सिंह जी बिष्ट हैं इस समय, और यहाँ पे हम डेटा सुरक्षित कर लेंगे। अब देखना आपने कि हमारा डेटा सुरक्षित हो गया। तो हमने आपको बताया कि हमने तीनों रिकॉर्ड अपने यहाँ पे सेव कर लिए हैं यूनिट में जाकर। जब आप यूनिट में जाके पूरा रिकॉर्ड हर टीचर्स का 1x1 करके सेव कर लेंगे, तभी आप जाके एम्प्लॉय ID में जाकर अपना CR फॉर्म वहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ से केवल जो यहाँ पे केवल वो संशोधित किया जाता है, जैसे कि प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी आपके कौन कौन से किस किस वर्ड्स रहे। यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान देना, जिन अधिकारियों का 90 दिन से कम का कार्यकाल आपके विद्यालय में रहा हो, वहाँ पर जो आपके पूर्व अधिकारी रहे होंगे या कोई चार्ज में रहा होगा, तो उस अधिकारी का पूरा वर्ड्स आपको अपनी CR में उनका उपस्थिति दिखानी होगी। तो ये था आपका यूनिट के माध्यम से कैसे हम अपने अधिकारियों का विवरण यहाँ पर भरें। इसी के बाद आप जाकर एम्प्लॉय में जाकर आराम से अपनी CR भरें और उसको सबमिट करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप जो CR भरेंगे तो उसमें जो आपका संपत्ति का विवरण है या आपका जो मेडिकल है उसका आप PDF अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी फाइल अपलोड करनी है और कितने MB की करनी है। तो आप कम से कम MB की फाइल अपलोड करें और वो भी PDF में। तो आपने देखा कि जब हमने इन शिक्षक का पूरा रिकॉर्ड भरा, इन शिक्षक ये वाले शिक्षक थे उनका पूरा रिकॉर्ड भरा, तो पहले रेड आ रहा था और अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ग्रीन तब आया क्योंकि हमने तीनों फील्ड उनकी भर दिए, प्रतिवेदक की भी और समीक्षा अधिकारी और जो हमारे दूसरे अधिकारी उनकी भी हमने पूरी की पूरी रिकॉर्ड भर दी है। अब जो हमारा अगला जो बिंदु था वो ये है कि प्रतिवेदक अपने अधीनस्थ शिक्षक और कर्मचारियों की ACR कैसे देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी पर्सनल ID को खोलेंगे, यहाँ से आप उसको लॉग आउट कर देंगे
यहाँ से लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे प्रतिवेदक हैं वो अपनी पर्सनल आईडी खोलेंगे, और पर्सनल आईडी करने के बाद एम्प्लॉय में जाएंगे और कोड डाल के उसको खोल लेंगे, और उसको खोलने के बाद आगे जो इंटरफेस आएगा उसके अनुसार वो अपना कार्य करेंगे। सभी टीचर एसीआर भरने के बाद जो हमारे प्रतिवेदक अधिकारी हैं वो अपनी आईडी खोल लेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि पेंडिंग को क्लिक करेंगे तो सभी टीचर्स की यहाँ पर उनको एसीआर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे एसीआर उनकी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो क्लिक करेंगे तो जिन टीचर्स ने एसीआर भरा वो खुल जाएंगी। तो वो एसीआर खुलने के बाद वो उसका अध्ययन करेंगे कि उन्होंने एसीआर में क्या क्या लिखा है, क्या क्या उन्होंने भरा, उनका शैक्षिक रिकॉर्ड सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे वो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में उनका नाम सब कुछ आ जाएगा और उनका परीक्षा फल बोर्ड का रिजल्ट उन्होंने जो भरा है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उनके कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर वो 500 शब्द के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन जो रेटिंग है वो यहाँ से चुन सकते हैं, उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, उत्तम, बहुत अच्छा, यहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके बाद समीक्षा करने के बाद वो उसकी यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू फॉर्म भी देख सकते हैं। ये सारे करने के बाद, सभी टीचर्स का करने के बाद वो इसको स्वीकार कर लेंगे, तो इसके बाद जितनी भी एसीआर हैं सब वो आपकी समीक्षा अधिकारी के पास चले जाएंगी। वो भी वही तरीका जो आपका प्रतिवेदक का था, वो भी अपनी आईडी से सबकी सीआर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हर एक की सीआर को वो एक एक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो हर एक की सीआर को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सीआर देखने के बाद वो भी अपने कमेंट्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि किस टीचर ने कैसा कार्य किया है सबकी सीआर देखने के बाद। तो यहाँ पर वो 500 शब्दों के अंदर कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ पर वो रेटिंग देंगे और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे वो नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस टीचर की उन्होंने यहाँ पर सीआर में कुछ लिखा होगा तो वो गोपनीय है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो देख सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार स्वीकृत अधिकारी के पास जब सीआर चले जाएगी तो वो भी इसी प्रकार सीआर को ओपन करेंगे, पेंडिंग सीआर को ओपन करेंगे और यहाँ पर वो देख सकते हैं हर एक टीचर की सीआर। तो यहाँ पे जो हमारे स्वीकृत अधिकारी हैं वो यहाँ पर टीचर के सारी सीआर देखने के बाद वो यहाँ पर कुछ अपने कमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एसीआर एक्सेप्टेड, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं उनको, कैसा उनका काम है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा तो वो सीआर अप्रूव हो जाएगी और जो आपको 3 रेड दिखाई दे रहे थे अपने सीआर में, जो आइकन दिखाई दे रहे थे रेड चिन्ह दिखाई दे रहे थे, वो सब ग्रीन हो जाएंगे एक एक करके। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीका है इसको सीआर को अप्रूव कराने का।